कोरोना से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रखे हैं। अब राज्यों में अपडेट ले लेते हैं कि वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर अब क्या हालात बने हुए हैं। दिल्ली से पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजधानी से अपडेट करेंगी। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहां से उत्तर प्रदेश का हाल बताने वाले हैं। दीपक दुबे मुंबई से, राकेश चतुर्वेदी भोपाल से और भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से। शुरुआत करेंगे पल्लवी झा आपसे। पल्लवी, एक स्पुतनिक वी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, ये अच्छी बात है कि इस पर कुछ हद तक पिक्चर क्लियर हो गई है कि नेक्स्ट वीक तक ये मिल जाएगी, लेकिन मौजूदा संकट का क्या करें क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की चिंताएं बढ़ रही हैं। पल्लवी, देखिए विपनेश, जिस तरीके से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि देखिए मिस मैनेजमेंट और मिस कम्युनिकेशन जो एक बड़ी वजह बन रहा है वैक्सीन की कमी को लेकर, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। जहाँ मैं खड़ी हूँ ये वैक्सीनेशन सेंटर था और यहाँ पर लोग आकर वैक्सीन का टीका ले रहे थे, लेकिन पिछले दो दिनों से यहाँ जो है सेंटर को बंद कर दिया गया। और ये सिर्फ एक सेंटर नहीं है, ऐसे कई सेंटर है दिल्ली में, तकरीबन 100 से ऊपर, जिनको बंद कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन मौजूद नहीं है। कोवैक्सीन तो एक तरीके से कहें तो कोवैक्सीन तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में भारत बायोटेक से तरफ से लेटर भी आया दिल्ली सरकार को, ये कहते हुए कि उन पर अभी पहले से ही प्रोडक्शन को लेकर दबाव है और ऐसे में और वैक्सीन तुरंत उपलब्ध करा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लगातार केंद्र सरकार को दबाव बनाते हुए कहा कि चूंकि दिल्ली में वैक्सीन की भारी कमी है और ऐसे में केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की कि वैक्सीन प्रोवाइड कराइए। लेकिन वैक्सीन, केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन जो है केंद्र सरकार प्रायोरिटी ग्रुप के लिए प्रोवाइड कराएगी जो 45 से ऊपर के हैं, यानी जो 45 से ऊपर के हैं जिनको फ्री में वैक्सीन लगाया जा रहा है उनके लिए केंद्र सरकार जो है वो प्रोक्योर करके स्टेट को जो है देगी। लेकिन 18 से 44 उम्र के जितने भी लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन प्रोसेस से गुजरना है उनके लिए राज्य सरकार खुद कंपनी से प्रोक्योर करे और फिर उसको लगाए। अब आप ये समझिए कि इस वक्त देश में डिमांड इतनी ज्यादा है, इतना अलग अलग राज्यों से लगातार जो है कंपनी से बात चल रही है कि आप उन राज्यों को दीजिए जहां पर वैक्सीन की कमी है। ऐसे में कंपनीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इसी यही वजह है कि वैक्सीन समय पर नहीं मिल पा रही और दिल्ली की भी हालात इसीलिए ज्यादा खराब हो गए हैं क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जो 40 लाख के आसपास केंद्र की तरफ से जो वैक्सीन मिले थे वो एकदम कह सकते हैं कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं और जो कंपनी से आने थे दिल्ली को वैक्सीन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो बुरी स्थिति है इस वक्त और इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि 45 से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन की जब कमी पड़ रही है तो ऐसे में 18 से 44 की जब शुरुआत की गई तो इस बात को केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को भी देखना चाहिए था कि अवेलेबिलिटी हो तब ये प्रोग्राम शुरू किया जाए। ऐसे में लोग भटक रहे हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लोग असमंजस की स्थिति में है, परेशान हो रहे हैं और ये इसीलिए हो रहा है कि एक मिसकम्युनिकेशन और मिसमैनेजमेंट है, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो। विपनेश, बिल्कुल पल्लवी, इसका जिक्र तो हमने डे वन से किया था, तमाम एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे कि जब स्टॉक पूरा हो जाए, वैक्सीन आ जाए तभी 18 प्लस वालों को आप लगाएं। ये मारामारी तो नहीं होती इस वक्त, मिसमैनेजमेंट, इसीलिए हम कह रहे हैं आप बने रहें।